हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, हिमाचल प्रदेश को देव भूमि या देवताओं की भूमि कहा जाता है, जो इस पृथ्वी पर स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से प्राकृतिक आकर्षणों से भरा हुआ है और इसका अपना समृद्ध पौराणिक अतीत है। कई पर्यटन स्थलों का केंद्र होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश में अनगिनत प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, जिसकी वजह से यह दुनिया के भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ऐसा ही एक मंदिर है वशिष्ठ मंदिर। भक्तों, वशिष्ठ मंदिर मनाली का एक प्रमुख मंदिर है, जो शहर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के नाम पर बसे वशिष्ठ गांव में स्थित है। यह स्थान अपने शानदार गर्म पानी के झरनों और वशिष्ठ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। वशिष्ठ मंदिर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को समर्पित है, जो भगवान श्री राम के कुलगुरु थे। भक्तों, वशिष्ठ मंदिर मनाली में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि वशिष्ठ मंदिर 4000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। मंदिर के गर्भगृह के अंदर धोती पहने महर्षि वशिष्ठ की एक काले पत्थर की मूर्ति विराजमान है। लकड़ियों से बना वशिष्ठ जी का यह मंदिर बाहरी भाग जहां उत्कृष्ट और सुंदर नक्काशी से सुशोभित है, तो वहीं इस मंदिर का आंतरिक भाग पुरातन चित्रकारी से अलंकृत है। यहां पर वशिष्ठ मंदिर के अलावा एक और मंदिर है, जिसको राम मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के अंदर राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां विराजमान हैं। भक्तों, महर्षि वशिष्ठ सप्त ऋषि मंडल में शामिल एक प्रमुख ऋषि हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजर्षि विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ के सभी पुत्रों की हत्या कर दी थी। इससे महर्षि वशिष्ठ अत्यंत दुखी थे। उनकी जीने की इच्छा समाप्त हो गई थी। वो शीघ्र, अति शीघ्र अपना प्राणांत करने के उद्देश्य से विपाशा नदी में कूद पड़े, लेकिन विपाशा नदी ने महर्षि वशिष्ठ को मारने से इनकार कर दिया। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ इसी गांव में बस गए और अपना नया जीवन आरंभ किया। विपाशा नदी अब ब्यास नदी के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों, वशिष्ठ मंदिर के गर्भगृह में स्थापित महर्षि वशिष्ठ की काले पत्थरों से निर्मित मूर्ति मूर्ति कला की दृष्टि से अद्भुत और अद्वितीय है। भक्तों, अगर आप भी मनाली वशिष्ठ मंदिर पहुंचकर भगवान श्री राम के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन चढ़ाना चाहते हैं और वशिष्ठ झरने के गर्म पानी में स्नान करना चाहते हैं, तो जय श्री राम कहते हुए अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम।